हेलो गोइंकन्स, बच्चों आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि अब तक हमने दो अक्षरों से बनने वाले शब्दों को पढ़ा भी और इनका अच्छे से अभ्यास किया, आज के इस वीडियो में हम एक वाक्य को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जय और ये है उसकी बहन। तो आइए इनकी बातचीत को सुनते हैं। ज में य मिलकर बनेगा जय, अब अब, घर घर, चल चल। जय अब घर चल। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? घर घर, चल चल, कर कर, पढ़ पढ़, घर चल कर पढ़। बक बक, मत मत, कर कर, बक बक मत कर। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जय अब घर चल, घर चल कर पढ़, बक मत कर। आइए आगे और पढ़ते हैं। र में थ मिलकर बनेगा, क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बनेगा रथ। पर चढ़ चढ़, रथ पर चढ़। आइए आगे पढ़ते हैं। जल जल, बच्चों जल हम हिंदी में पानी को कहते हैं। जल भर भर, जल भर यानी पानी को भरो। जल ढक ढक, कर कर, रख रख। जल ढक कर रख यानी जो पानी होता है हमें इसे बिना ढांके नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। वेरी गुड। आइए और पढ़ते हैं। तन तन, ढक ढक, कर कर, रख रख। तन ढक कर रख यानी सर्दियों का मौसम है तो हमें अपने ऊपर कपड़े लगा कर रखने चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। जय अब घर चल, घर चल कर पढ़, बक बक मत कर, रथ पर चढ़, जल भर, जल ढक कर रख, तन ढक कर रख। तो प्यारे बच्चों, आप इस वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे अपनी लिखित पुस्तिका यानी अपनी नोटबुक पर साफ साफ लिखेंगे। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या है, आपको नीचे कुछ शब्द टूटकर बिखर गए हैं, उन्हें आप जोड़कर एक शब्द बनाएं और इसे अपनी लिखित पुस्तिका पर लिखें। उदाहरण के तौर पे न को मैंने ल के साथ मिलाया है, न और ल मिलकर बनता है नल। इसी प्रकार आप सही अक्षरों को जोड़ के सही शब्द बनाएं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।